लाजम पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में स्प्रिंग्स रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन दिया है डिजाइन अ क्लोज्ड क्वाइल्ड हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग फॉर अ सर्विस लोड रेंजिंग फ्रॉम 2750 newton to 2750 newton. The axial deflection of the spring of the load range is 6 mm. Assume a spring index of 5. The permissible shear stress intensity is 420 MPa and modulus rigidity G equal to 84 km per mm square. Neglect the effect of stress concentration. Draw a fully dimensioned sketch of the spring showing details of the finish of the end coils. Question diya hua hai. A closely coiled helical spring hai. जिसका सर्विस लोड रेंजिंग फ्रॉम दिया हुआ कितना 2250 to 2750 newton के बराबर 2250 से 2750 newton. द एक्सियल डेफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग ऑफ द लोड रेंज इज 6 mm और स्प्रिंग इंडेक्स में दिया हुआ 5. परमिसिबल शेयर स्ट्रेस दिया हुआ इसमें 420 MPa के बराबर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया है 84 kN/mm². कंडीशन इसमें यह है कि नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसेंट्रेशन, स्ट्रेस कंसेंट्रेशन इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसेंट्रेशन है सो नेगलेक्ट करना है। ड्रॉ द फुल्ली डायमेंशन स्केच ऑफ द स्प्रिंग, तो इसमें कोई डायमेंशन दिया हुआ जिससे कि हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है W1 जो कि लोड दिया है W1 इक्वल टू 2250 newton के बराबर, W2 इक्वल टू दिया हुआ है 2750। इसमें जो सर्विस लोड दिया है वो इसमें W1 हो जाएगा और ये W2 हो जाएगा। W1 दिया है 2250, W2 दिया है 2750। इसके अलावा डेफ्लेक्शन दिया हुआ है, एक्सियल डेफ्लेक्शन कितना दिया है 6 mm, तो डेल इक्वल टू इसमें 6 mm के बराबर है। स्प्रिंग इंडेक्स इसमें 5 है, तो C इक्वल टू कैपिटल D अपॉन D इक्वल टू दिया हुआ 5। शेयर स्ट्रेस दिया हुआ कितना 420 MPa, तो टाउ इक्वल टू है 420 MPa, जिसको हम लिख सकते हैं 420 न्यूटन पर mm² के बराबर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दी हुई है G इक्वल टू 84 किलोमीटर पर mm², जिसको लिख सकते हैं 84 × 10^2 क्यू न्यूटन पर mm² के बराबर। तो ये सॉल्यूशन में गिवन दिया है, जो कि एक्सियल लोड दिया है W1 इक्वल टू ये दिया है 2250 newton, W2 इक्वल टू दिया है 2750 newton, डेफ्लेक्शन दिया हुआ है डेल इक्वल टू 6 mm, और स्प्रिंग इंडेक्स दिया हुआ 5, सी इक्वल टू और शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है 420 MPa के बराबर। मॉडुलस रिजिडिटी दिया हुआ है 84 kN/mm², जो कन्वर्ट करेंगे तो 84 × 10^2 क्यू न्यूटन पर mm² के बराबर होगा। सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं मेन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉयल, स्प्रिंग कॉयल का मेन डायमीटर निकालते हैं, जहाँ पर लेट D इक्वल टू होता है कैपिटल D इक्वल टू मेन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉयल फॉर द मैक्सिमम लोड ऑफ W2 इक्वल टू 2750 newton है। D इक्वल टू है डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर, सो वी नो दैट ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन द स्प्रिंग का फार्मूला होता है T इक्वल टू W2 × D/2 के बराबर। W2 जो कि हमको 2750 दिया है ये इंटू कैपिटल D दिया है, और स्प्रिंग इंडेक्स के बराबर दिया है C इक्वल टू D/D के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पास C इक्वल टू D/D इक्वल टू 5 दिया हुआ C की वैल्यू, इसमें हम D इक्वल टू 5D लिख सकते हैं, इससे दिया हुआ 5D, तो यहाँ पर जो कैपिटल D है वो क्या हो जाएगा 5D/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2750 × 5/2 करेंगे तो 6875 हो जाएगा D के फॉर्म में, तो T इक्वल टू हो जाएगा 6875 D के बराबर। सो वी ऑल्सो नो दैट ट्विस्टिंग मोमेंट T इक्वल टू फार्मूला होगा T इक्वल टू 5/16 × tau × D/2। वैल्यू पुट करेंगे T इसमें ये आया है 6875 D इक्वल टू 5/16 × tau, जो शेयर स्ट्रेस है वो है 420 × D/3। इसको अगर सॉल्व करते हैं 5/16 × 420 तो यह जाता है 82.48 D/3 के फॉर्म में, इसलिए D/3 इक्वल टू हो जाएगा, ये डिवाइड पहुँच जाएगा तो 6875/8248। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 83.35। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो आ जाएगा स्प्रिंग का वायर का डायमीटर जो आएगा 9.13 mm के बराबर हो जाता है। इस तरीके से हम वायर का डायमीटर निकालते हैं 9.13 mm।
फ्रॉम वी सेल टेक अ स्टैंडर्ड वायर, एक टेबल है SWG3 जो कि डायमीटर आप रहेगा इसमें स्टैंडर्ड डायमेंशन के डायमीटर कितना रहेगा 9.49 mm, जो कि हमारे पास कैलकुलेट हुआ था 9.13 mm, इसको स्टैंडर्ड टेबल से चेक किया तो ये 9.49 mm इसको स्टैंडर्ड टेबल में स्टैंडर्ड डायमीटर लिख सकते हैं। सो मेन डायमीटर आप इसमें कॉल क्या हो जाएगा कैपिटल डी इक्वल टू 5 × d के बराबर। सो 5 × d कितना है 9.49, तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 × 9.49 होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 47.45 mm के बराबर। सो मेन डायमीटर इसमें कितना आ जाएगा 47.45 mm। सो वी नो दैट आउटर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉइल, स्प्रिंग कॉइल का आउटर डायमीटर रहेगा जो कि TO इक्वल टू रहेगा कैपिटल D प्लस स्मॉल D, मतलब मेन डायमीटर प्लस वायर का डायमीटर। तो कैपिटल D कितना है 47.45 और स्मॉल D हमने ये निकाला है 9.49, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड करने पर आ जाता है 56.94 mm के बराबर। सो आउटसाइड डायमीटर जो आएगा इसका वो आएगा 57.94 mm। दी एंड इनर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉइल, स्प्रिंग कॉइल का अगर इनर डायमीटर निकालना है तो दोनों डायमीटर का हम डिफरेंस निकाल देते हैं, डी आई इक्वल टू हो जाएगा मेन डायमीटर माइनस वायर का डायमीटर, मतलब डी माइनस डी हो जाएगा। कैपिटल डी कितना है 47.45 माइनस वायर का डायमीटर कितना है 9.49, इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंस आएगा तो इसका आ जाएगा 37.96 mm के बराबर। इस तरीके से इसमें हम आउटसाइड डायमीटर निकालते हैं और इनसाइड डायमीटर निकालते हैं। अगर आउटर डायमीटर निकालना तो हम इसको इससे निकालना पड़ेगा डी ओ इक्वल टू मेन डायमीटर प्लस वायर का डायमीटर, और इनर डायमीटर निकालना होगा तो होगा डी आई इक्वल टू मेन डायमीटर अपॉन वायर का मेन डायमीटर माइनस वायर का डायमीटर, इससे निकाल सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द स्प्रिंग कॉइल जो कि हम एन से डोनेट करते हैं, एन इक्वल टू इसमें क्या है नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स। सो इट इज़ गिवन दैट द एक्सियल डिफ्लेक्शन डेल फॉर द लोड रेंज फ्रॉम 2250 newton टू 2750 newton के बीच में दिया हुआ लोड रेंज। सो इसमें W इक्वल टू 500 newton इज 6 mm डिफ्लेक्शन है। सो वी नो दैट डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग डेल इक्वल टू फार्मूला होगा 8WC^Q(N)/GD। सो डेल कितना है डिफ्लेक्शन 6 है, इक्वल 8 × जो लोड दिया है वो 500 newton है इंटू सी स्प्रिंग इंडेक्स 5 है 5:Q(N)/ मॉडल रिजिडिटी दी हुई है क्वेश्चन में 84 × 10^3 × वायर का डायमीटर दिया है 9.49। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं कि 8 × 500 × 5^3 × 84 × 10^3 × 9.49 इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 0.63 N के बराबर। इसलिए N इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/0.63, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.5, जिसको हम सिर्फ 10 ले सकते हैं। नंबर ऑफ एक्टिव टर्न कितना होगा इसमें 10 होगा। फॉर स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड के लिए लेंगे इसमें दो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आएगा एंड एस इक्वल टू हो जाएगा 10+2 के बराबर, दो जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 12 आ जाएगा। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसके बाद इसमें निकालना फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, फ्री लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा। सो सिंस द कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड अंडर 500 newton इज 6 mm, देयरफॉर मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड अंडर द मैक्सिमम लोड 2750 newton 2750 newton के बीच में निकालना, तो इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगा डेल मैक्सिमम इक्वल टू 6/500 हो जाएगा डिफ्लेक्शन अपॉन लोड, जो है डिफ्लेक्शन अपॉन कितने लोड पे लग रहा है 500 newton के बराबर इंटू मैक्सिमम लोड कितना है 2750 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/500 × 2750, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33 mm के बराबर। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आएगा 33 mm। सो यू नो दैट फ्री लेंथ निकालेंगे, फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जो कि फार्मूला होगा LF इक्वल टू एन डैश डी प्लस डेल मैक्सिमम प्लस 0.15 डेल मैक्सिमम के बराबर। वैल्यू पुट करेंगे एन डैश इक्वल टू 12 है इंटू डी है इसमें स्मॉल डी 9.49 प्लस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है 33 प्लस 0.15 इंटू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 33। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर 12 × 9.49 प्लस 33 प्लस 0.15 × 33 इसका आंसर आ जाएगा 151.83 जो कि से 152 mm ले लेंगे राउंड फिगर में। तो फ्री लेंथ कितना आएगा इसमें 152 mm के बराबर। इसके बाद निकालते हैं पिच ऑफ द कॉइल। सो वी नो दैट पिच ऑफ द कॉइल का फार्मूला होता है फ्री लेंथ अपॉन एंड एस माइनस 1। फ्री लेंथ कितना है 152
अपॉन एन डैश 12 है, 12 माइनस 1 इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 13.73, जिसको से 13.8 mm ले सकते हैं। तो पिच ऑफ द कॉइल कितना आ जाता है 13.8 mm के बराबर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना।